पता है। खैर, किसानों का जिक्र करेंगे, कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनेगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यह करने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं कि अगर केंद्र से 100 रुपया जारी होता है तो किसान के खाते में 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ये एक सुनिश्चितता सुशासन की दृष्टि से और पारदर्शिता की दृष्टि से सिद्ध हुई। आप सबको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त यानी एक किसान को 6 हजार रुपया प्रतिवर्ष उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हमारा एक मोटा अनुमान था कि देश में 14 करोड़ किसान हो सकते हैं जो इस योजना में पात्र होंगे, लेकिन अभी तक 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीयन हमारे यहां हुआ है। बाकी वो आधार कार्ड लिंक और बाकी सारी प्रक्रिया जांच पड़ताल चलती रहती है, जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा किया जाता है। अभी तक 10 करोड़ 59 लाख 59 लाख इतने किसानों को 96 हजार करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत एक साल में 75 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। December 25 को जब सुशासन दिवस है उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, इसका सीधा प्रसारण भी होगा और इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 6 किसानों के साथ जो भिन्न भिन्न स्कीमों के लाभार्थी होंगे, कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभार्थी होगा, तो उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप, ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री जी का फिर उद्बोधन भी इस कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसमें यह कार्यक्रम देश के विकासखंड स्तर पर संपन्न होगा। सभी विकासखंडों पर बड़ी मात्रा में किसान आवे यह प्रयत्न किया गया है और ऑनलाइन भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए कृषि मंत्रालय ने प्रयत्न किया है। आज कितना बड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल शाम तक 2 करोड़ किसान अपने आप को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए रजिस्टर्ड करा चुके हैं। अभी आज का दिन कल का दिन हमारे पास शेष है और फिजिकली भी प्रयत्न हर विकास खंड पर हो रहा है और बड़ी मात्रा में इसमें सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहें, मंत्रीगण भी इन कार्यक्रमों में जाएं, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। तो मुख्य रूप से मेरा इतना आग्रह सभी।
तो कृषि मंत्री को सुन रहे थे आप। कृषि मंत्री कह रहे हैं 25 तारीख को एक समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें सीधे सीधे किसानों के खातों में पैसा डाला जाएगा, 9 करोड़ से ज्यादा की बात कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सीधे सीधे खातों में पैसा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रहेंगे और ये काम करेंगे। कृषि मंत्री तमाम जानकारी